कोई हादसे का शिकार ना हो, इसीलिए 11 साल से पेंशन के पैसों से सड़क के गड्ढे भर रहे हैं ये बुजुर्ग दंपति। इन बुजुर्ग दंपति के लिए एक लाइक तो बनता ही है। आमतौर पर लोग परेशान होने पर सवाल उठाते हैं मगर समाधान के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाते। उदाहरण के लिए सड़क के गड्ढों को ही ले लीजिए। उन्हें देखकर कई लोग अपनी नाराजगी तो जाहिर करते हैं लेकिन उनको भरने के लिए आगे नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक बुजुर्ग दंपति ने अपने काम से मिसाल कायम की है। 11 साल के ये बुजुर्ग दंपति सड़कों के गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए गंगाधर तिलक कटनम कहते हैं कि मैं भारतीय रेलवे से रिटायर होने के बाद यहां ट्रांसफर होकर आया हूं। गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। मैंने मामले को संबंधित प्राधिकार से भी लिया लेकिन समाधान नहीं निकला। ऐसे में मैंने खुद से इन्हें भरने का फैसला कर लिया है और मैं इस काम के लिए अपनी पेंशन से पैसे खर्च कर रहा हूँ। बुजुर्ग का दावा है कि वो अब तक 2000 से अधिक गड्ढों को भर चुके हैं। इस बात में खास बात यह है कि इस काम के लिए उनकी पत्नी भी उनका साथ दे रही है। गौरतलब है कि वो सड़क किनारे खोले पार्ट होल्स रोड एक्सीडेंट का बड़ा कारण बनते हैं। ऐसे में गंगाधर तिलक और उनकी पत्नी अपने काम से कई जिंदगियों को बचाने का काम कर रहे हैं। उनके इस काम के लिए सलाम तो बनता ही है। और आप लोगों का इन बुजुर्ग दंपति के बारे में क्या कहना, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए और हमारे इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।